जय माता दी दोस्तों कैसे हैं आप सभी दोस्तों हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें दोस्तों बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि के अप्रैल 2021 राशिफल की इस महीने में ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी और उसका आपके आर्थिक क्षेत्र पर व्यापारिक क्षेत्र पर शिक्षा स्वास्थ्य पर प्रेम जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों इस महीने वृश्चिक राशि के लोगों को अपने व्यवहार पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है आपके मन में बहुत सारी बातें चल रही हैं मन में एक अजीब सी उथल पुथल है अपने मन के अंदर दबी इन बातों को आप किसी से शेयर करना पसंद नहीं करेंगे लेकिन आपके अंदर ये स्थिति मानसिक दबाव बनाएगी और आपका व्यवहार बदलेगा बेहतर यही होगा कि अपने मन की बात किसी ना किसी से शेयर जरूर करें ताकि आप अपने मानसिक तनाव से बाहर निकल सकें मानसिक बोझ को कम कर सकें और जब भी आप किसी से बात शेयर कर रहे हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि वो इंसान आपके लिए लॉयल है या नहीं है आपकी बात को समझेगा या नहीं समझेगा यही एक सही रास्ता है बिजनेस कर रहे हैं तो लोगों को बड़ी सावधानी से काम करना होगा राहु और मंगल की युति आपकी राशि के सप्तम भाव में होने से बिजनेस पर बड़ा असर पड़ेगा क्योंकि यहाँ आपके बिजनेस पार्टनर के स्वास्थ्य में परेशानी आएगी और इससे आपके व्यावसायिक संबंध भी खराब हो सकते हैं आपके संबंधों पर बहुत बुरा असर इसका पड़ेगा और ये आपके व्यापार को बहुत बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है तो यहाँ आप राहु और मंगल की स्थिति को अपनी कुंडली में मजबूत बनाने के लिए मंगल देव के बीज मंत्र का जाप करें जो कि बहुत अच्छा रहेगा और साथ ही भूरे रंग के कुत्ते को कुछ खाने के लिए दें इससे आपके व्यापार पर राहु और मंगल की जो युति बन रही है उसका बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा कार्य क्षेत्र की अगर बात करें तो अप्रैल का महीना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा ये उनके स्वभाव पर निर्भर करता है इस महीने आप खुद को कुछ अकेला और तनहा महसूस कर सकते हैं और ये इसी वजह से होगा कि आपके अंदर जो ये अजीब सी उथल पुथल चल रही है मन में कन्फ्यूजन जो है उसकी वजह से आप ऐसा महसूस करेंगे यदि आप इस तरह की भावना को अपने आप से दूर रखेंगे और खुद पर विश्वास रखेंगे तो करियर में आपको अच्छे परिणाम भी प्राप्त हो सकते हैं दशम भाव का स्वामी सूर्य होने से महीने के शुरू में आपके पंचम भाव में उपस्थित होने से नौकरी में बदलाव के संकेत भी रहेंगे यदि आप इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं नौकरी बदलने का सोच रहे हैं तो इसमें आपको सफलता मिलने की संभावना भी है चौदह अप्रैल से सूर्य मेष राशि में चले जाएंगे उनके छठे भाव में जाने से नौकरी में आपका प्रदर्शन जबरदस्त तरीके से सुधरेगा और आपको अपने काम में एवरेज से ज़्यादा अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा आपका प्रमोशन भी हो सकता है या आपका सैलरी इंक्रीमेंट होगा इसलिए इस समय का आप भरपूर फ़ायदा उठाएँ और खुद को सेटल करने की कोशिश करें और यदि आप कोई बिजनेस करते हैं तो आपके बिजनेस साझेदार से विवाद होने की स्थिति यहाँ बनेगी तो सबसे जरूरी बात इस महीने आपके लिए यही रहने वाली है कि आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें राहु और मंगल का अंगारक दोष सप्तम भाव में बनेगा जो आपके साझेदारी के सभी संबंधों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा आपके बिजनेस में जो भी साझेदार हैं आप जिनके साथ डील करते हैं जो आपके कलीग्स हैं उनके साथ यहाँ नकारात्मक प्रभाव राहु और मंगल का पड़ेगा यहाँ राहु और मंगल की युति आपके संबंधों को ख़राब करने का प्रयास करेंगे तो इसका जो सीधा सीधा असर पड़ेगा वो आपके बिजनेस पर पड़ेगा बिजनेस में तरक्की पाना चाहते हैं अपने करियर को चमकाना चाहते हैं तो थोड़ा सा धैर्य रखें और कुछ समय बीत जाने के बाद ही अपने करियर में थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करें मंगल चौदह तारीख को राशि परिवर्तन करके आपके अष्टम भाव में चला जाएगा इससे आपके साझेदार से संबंध थोड़े अच्छे होंगे संबंधों में सुधार आएगा जिसके फलस्वरूप आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा अब बात करते हैं आर्थिक है स्थिति की दोस्तों आर्थिक तौर पर ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि शुक्र सूर्य और बुध की दृष्टि आपके ग्यारहवें भाव पर रहेगी इस महीने जिससे आपकी रोज़ाना की अच्छी आमदनी रहेगी और धीरे धीरे आप अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए नए तरीके भी आजमाएंगे जिनमें आपको सफलता भी मिलेगी लेकिन यहाँ आपको थोड़ा सचेत रहने की ज़रूरत है कोई भी गैर कानूनी तरीके से पैसा कमाने की कोशिश ना करें ये आपके लिए उल्टा पड़ सकता है जितना आ रहा है उतना भी नहीं आएगा इस दौरान आपको अपने बिजनेस में लाभ के संकेत भी मिलेंगे और कुछ लोगों को सरकारी क्षेत्र से अच्छे लाभ मिलने की उम्मीद भी रहेगी आपको मेहनत के एवरेज में कोई ओवर टाइम या बोनस भी मिल सकता है ये महीने आपकी आमदनी को बढ़ाने वाला रहेगा हालांकि महीने के अंतिम कुछ दिनों में खर्चे ज्यादा रहेंगे लेकिन आप सही तरीके से अपनी आर्थिक स्थिति को मैनेज करने में भी कामयाब रहेंगे 14 अप्रैल के बाद आप अपने ऊपर चढ़े हुए कर्ज को उतारने की भी पूरी कोशिश करेंगे और काफी हद तक आप इसमें सफल भी रहेंगे अगर बात करें इस महीने प्रेम और वैवाहिक जीवन की तो इस महीने प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से शुरुआत अच्छी रहेगी अपनी उच्च राशि में उपस्थित शुक्र जहां आपके रिश्ते में प्रेम और आकर्षण की वृद्धि बढ़ाएगा तो वहीं बुद्ध आपकी कम्युनिकेशन स्किल को और भी ज़्यादा मजबूत बनाएगा और ये वो चीज़ है जो किसी भी रिश्ते के लिए बेहद जरूरी है सूर्य की उपस्थिति भी होगी जिसकी वजह से कभी कभी एक दूसरे के प्रति अहम का टकराव भी होगा लेकिन वो प्यार भरी खटपट हक जैसी साबित होगी और आप अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने में कामयाब रहेंगे विवाहित लोगों की बात करें तो ये महीना थोड़ा सा कमजोर कहा जा सकता है आपके लिए क्योंकि राहु और मंगल की सप्तम भाव में युति बन रही है जो आपके रिश्ते के लिए नुकसानदायक रह सकती है इससे आपके जीवन साथी को स्वास्थ्य संबंधी कष्ट हो सकता है और उनका व्यवहार भी थोड़ा सा गुस्से वाला थोड़ा सा कड़वा रह सकता है जिससे बात बात में आप दोनों के बीच झगड़े की नौबत आ सकती है 14 अप्रैल को मंगल के अष्टम भाव में चले जाने से इस स्थिति में थोड़ा सा सुधार आएगा लेकिन फिर भी जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा आपको अपने ससुराल के लोगों से भी अच्छे संबंध स्थापित करने की कोशिश करनी होगी ये समय थोड़ा सा कमज़ोर ज़रूर है लेकिन यदि आप धैर्य से काम लेंगे तो धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगेगा बात करें आपके स्वास्थ्य की तो ये समय आपके लिए मिला रहेगा आप मानसिक रूप से कुछ कमज़ोर रहेंगे आपकी ज़्यादा सोच विचार करने की आदत आपके शारीरिक विकास में बाधक बनेगी जिससे पेट से संबंधित शिकायतें आपको रहेंगी इसके अलावा मंगल और राहु की सप्तम भाव में युति आपको रक्त से संबंधित परेशानी जैसे ब्लड इन्फेक्शन या गुप्तांगों में इन्फेक्शन की समस्या हो सकती है इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति संजीदा रहें जिससे कि कोई बड़ी समस्या सामने ना आए करें पारिवारिक जीवन की तो इस महीने की शुरुआत अच्छी रहेगी सामंजस्य रहेगा परिवार वालों के साथ बृहस्पति छह तारीख को आपके चतुर्थ भाव में होंगे जिससे पारिवारिक जीवन में खुशियां आएंगी परिवार में माता पिता का पूरा सहयोग मिलेगा उनकी इच्छा से आप कोई नया कार्य भी शुरू कर सकते हैं तो ये समय पारिवारिक जीवन के लिए अच्छा रहेगा बात करते हैं उपाय की दोस्तों बृहस्पतिवार के दिन आप पीपल के पेड़ को छुए बिना उनको टच नहीं करना है आपको बृहस्पतिवार के दिन पीपल के पेड़ को छुए बिना आप जल चढ़ाएँ देव के बीज मंत्र का आप जाप करें ये आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें धन्यवाद